वेलकम टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम फिंगरप्रिंट्स के ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, अर्थात फिंगरप्रिंट क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज, इसका एडवांटेज एंड द हिस्ट्री ऑफ फिंगरप्रिंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज का जमाना डिजिटल जमाना है, जहां हम अपने सारे काम डिजिटल तरीके से करते हैं। डिजिटल जमाना का मतलब है सारे चीज डिजिटल इस्तेमाल करना। डिजिटल जमाने में हम ज्यादातर डिजिटल मशीन यूज करते हैं। डिजिटल मशीन यूज करने का एक फायदा यह है कि हम जो भी काम करते हैं वो सभी काम आसानी से कर पाते हैं। डिजिटल मशीन हम बहुत सारे कामों में यूज करते हैं। कुछ मशीन हम क्राइम ब्रांच में यूज करते हैं, कुछ पब्लिक में यूज करते हैं, कुछ मशीन सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, और भी बहुत सारे काम के लिए डिजिटल मशीन यूज किया जाता है। डिजिटल मशीन में कुछ डिजिटल सिस्टम होते हैं जिसके सहाय से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। दोस्तों, क्राइम ब्रांच, मेडिकल और स्क्रूटनी में यूज करने वाले एक डिजिटल सिस्टम है फिंगरप्रिंट सिस्टम, जो सिस्टम एक डिजिटल डिवाइस के मदद से चलते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि फिंगरप्रिंट सिस्टम क्या है, फिंगरप्रिंट सिस्टम कब शुरू हुआ, फिंगरप्रिंट सिस्टम के सुविधाएं क्या है, इस सब के बारे में। फिंगरप्रिंट कब से और कहां से शुरू हुआ था? फिंगरप्रिंट्स 1892 से अर्जेंटीना में शुरू हुआ था। फिंगरप्रिंट क्या होता है? फिंगरप्रिंट लोगों के उंगली के छाप होती है। हमारे दो हाथ से किसी एक हाथ के किसी एक उंगली के छाप को हम फिंगरप्रिंट के रूप से यूज कर सकते हैं। हम अपने किसी भी उंगली के छाप को एज अ फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हैं। हमारे फिंगरप्रिंट हमारा एक आइडेंटिटी की तरह काम करता है। फिंगरप्रिंट हम सिक्योरिटी के क्षेत्रों में भी यूज कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट सिस्टम की सुविधाएं। फिंगरप्रिंट सिस्टम के बहुत सारे सुविधाएं हैं। फिंगरप्रिंट हम अपने सिक्योरिटी के लिए भी यूज करते हैं। फिंगरप्रिंट हम अपने फोन पर लगाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप और भी कुछ ऑफिशियल यूजेबल डिवाइस, ये सब पर हम फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। फिंगरप्रिंट हम मेडिकल साइट पर भी यूज करते हैं। हमें फिंगरप्रिंट के मदद से अनजान लाशों को पहचान पाते हैं। फिंगरप्रिंट के एक एडवांटेज ये है कि जिन सभी लोगों का आधार कार्ड है, अगर वो लोग कहीं खो जाए तो उनका फिंगरप्रिंट मैच करा के उनका पता लगाया जा सकता है। फिंगरप्रिंट का डिसएडवांटेज। हर चीज का जैसे एडवांटेज होता है, वैसे ही हर चीज का डिसएडवांटेज भी होता है। फिंगरप्रिंट का एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमारा रिकॉग्नाइज किया हुआ फिंगर पर थोड़ा सा भी क्रश आ जाता है तो वो फिंगरप्रिंट काम नहीं करता, वो फिंगरप्रिंट आपकी फिंगर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और आप अपना फिंगरप्रिंट लॉक खोल नहीं पाते और आपका बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है।